विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि, तदनुसार मंगलवार 28 जुलाई 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विचार, प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। दक्षिण हरियाणा के 8 जिलों रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, नारनौल व फरीदाबाद को मिले 800 नए डॉक्टर। अब शेष जिलों की बारी। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देशों के बाद स्पेशल मुहिम चलाकर की जा रही है भर्ती। प्राइवेट स्कूलों को राहत, अभिभावकों को झटका। चाहे ऑनलाइन क्लास ली हो या ना ली हो, ट्यूशन और एडमिशन फीस होगी भरनी। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को वार्षिक शुल्क और ट्यूशन फीस लेने की दी इजाजत। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि के लिए स्कूल और एनुअल चार्ज भी वसूल कर सकते हैं, लेकिन इस साल नहीं बढ़ा सकते फीस। रिटायरमेंट से पहले हरियाणा के पुलिस कर्मियों को मिलेगा फील गुड। हरियाणा पुलिस ने अपने अधिकारियों और जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उठाया एक और कल्याणकारी कदम। अब इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्ति से 6 माह पहले अपने गृह जिले सहित पसंदीदा स्थान पर हो सकेंगे नियुक्त। नारनौल के एक RTI कार्यकर्ता ने DC कार्यालय में आवेदन करके जनवरी से अप्रैल 2020 तक रजिस्टर्ड की गई रजिस्ट्रियों की मांगी थी जानकारी, जिसमें सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल बिना NOC के कर दी 20 करोड़ की 166 रजिस्ट्रियां। एस्टेट मान्यता की अवधि 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की मांग। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि पिछले 8 सालों से सरकार JBT शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है। इसी की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 5 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर करेगा प्रदर्शन। हरियाणा में शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के 26 दिन बाद खुले स्कूल। टीचरों का होगा कोरोना टेस्ट। वहीं सभी बच्चे घर पर ही रहकर ऑनलाइन माध्यम से जारी रखेंगे अपनी पढ़ाई। अब स्कूल के स्टाफ को हर रोज आना होगा अनिवार्य। 14 साल में पहली बार रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा नहीं कर पाएंगी बहनें। भाई बहन के सबसे बड़े त्यौहार पर कोरोना का साइड इफेक्ट। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के चलते लिया निर्णय। 4 दिनों से सुस्त पड़ा मानसून सोमवार की रात से होने जा रहा है सक्रिय। इसी के साथ ही अगले 4 दिनों यानी 28 से 31 तक पूरे राज्य में जताई जा रही है अच्छी बारिश की संभावना। IMD चंडीगढ़ के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल के अनुसार कई जिलों में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। जल्द शुरू होगा पूरे हरियाणा में एक कंट्रोल रूम। हर इलाके में 10 मिनट में पहुंचेगी पुलिस की गाड़ी। प्रदेश के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति अगर 100 नंबर करेगा डायल, तो इसकी सूचना प्रदेश के कंट्रोल रूम में पहुंचेगी और अगले 10 मिनट में संबंधित व्यक्ति तक कंट्रोल रूम की गाड़ी पहुंच जाएगी। हरियाणा के सभी थानों में 2-2 गाड़ियां कराई जाएंगी उपलब्ध। राफेल के स्वागत के लिए तैयार है अंबाला एयरबेस। 3 किलोमीटर का दायरा नो ड्रोन जोन घोषित। गौरतलब है कि 5 राफेल विमान 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। लड़ाकू विमान राफेल की तैनाती चीन सीमा से लगभग 300 किलोमीटर दूर अंबाला एयरबेस में की जाएगी। महेंद्रगढ़ में एक बार फिर से टिड्डियों ने किया हमला। इस बार जिला में टिड्डियां 2 दलों में आई। टिड्डियों के दल ने एक हमला राजस्थान के सिंघाना की ओर से किया तथा दूसरा हमला लोहारू की ओर से किया गया। टिड्डियों का एक दल गहली, मकसूसपुर व रघुनाथपुरा होते हुए नारनौल, नसीबपुर आदि शहर में गया। वहीं दूसरा दल महेंद्रगढ़ के सुरेती, पिलानिया, माधोगढ़, माजरा, भगडाना, राजावास व उस्मापुर आदि गाँव में रह सक्रिय। खेल मंत्रालय से IPL को मिली मंजूरी। टूर्नामेंट को UAE में कराने के लिए खेल मंत्रालय सहमत। अब गृह और विदेश मंत्रालय की अनुमति का है इंतजार। IPL के सभी मैच UAE में दुबई, अबू धाबी और शारजा में होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी फ्रेंचाइजी अगस्त के पहले हफ्ते से UAE जाना कर देंगे शुरू। फ्रांस से 5 राफेल हो चुके हैं रवाना। भारतीय वायुसेना के अनुसार करीब 7 घंटे बाद सभी 5 राफेल UAE के अल दफरा एयरबेस पर कर चुके हैं सुरक्षित लैंडिंग। पायलटों को आराम देने के लिए विमान UAE में रुके हैं। 5 राफेल 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर बुधवार को पहुंचेंगे भारत। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होगी। दिसंबर 2021 में आखिरी बैच आने की है उम्मीद। भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 58,000 करोड़ में 36 राफेल फाइटर जेट की थी डील।
अयोध्या में शुरू होंगे 1000 करोड़ के 51 प्रोजेक्ट। राम मंदिर की भूमि पूजन के बाद 251 मीटर ऊंची श्रीराम की प्रतिमा का भी होगा शिलान्यास। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी बनेगी सीता झील। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर सरयू किनारे की भूमि पर स्थापित होगी भगवान राम की प्रतिमा। देश में कोविड-19 एक्टिव केस की संख्या 5 लाख के करीब पहुंची। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मरीजों का आंकड़ा 1-1 लाख के पार। देश में 14,79,000 केस। देश में एक्टिव केस 4,96,000 से ज्यादा। अब तक 33,111 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पॉजिटिव। वे व्हाइट हाउस के सबसे बड़े अधिकारी जो संक्रमित हुए हैं। दुनिया में अब तक 1,64,00,000 मरीज। दुनिया भर में अब तक 6,53,000 हुई है मौतें। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोग हुए ठीक। चीन को उसके मित्र देश रूस ने दिया झटका। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रोकी डिलीवरी। चीन ने इसे बताया दबाव में लिया गया फैसला। चीन और तुर्की के बाद भारत ही वो देश जिसे रूस ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा। पहली खेप साल के आखिर तक मिलेगी। S-400 मिसाइल सिस्टम S-300 का है अपडेटेड वर्जन। यह 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी खत्म करने का रखता है मादा। इंग्लैंड वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट। चौथे दिन बारिश के कारण नहीं हो सका खेल। जीत के लिए वेस्टइंडीज को 389 रन और चाहिए। 8 विकेट बाकी। वेस्टइंडीज ने पहला मैच 4 विकेट और इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट 113 रन से जीता। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। सप्ताह में कारोबार के पहले दिन BSE 194 अंक और निफ्टी 62 पॉइंट नीचे हुआ बंद। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर रिकॉर्ड 2198 के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। 800 रुपये महंगा होकर 51,833 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। 3400 रुपये बढ़कर चांदी 8 साल के ऑल टाइम हाई पर। 5.5% उछलकर 64,617 रुपये प्रति किलो पर पहुंची चांदी। एक सर्वे में हुआ खुलासा, कोरोना के कारण 55% लोगों ने खुद का वाहन खरीदने का बनाया इरादा। वहीं 54% लोग सेकेंड हैंड कार खरीदने के पक्ष में दिखाई दिए। सर्वे में शामिल 56% लोग अभी भी अगले 3 से 6 महीनों में कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान। 5,499 रुपए शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हुआ सैमसंग का सबसे सस्ता स्मार्टफोन गैलेक्सी M01 कोर। 2GB तक मिलेगी रैम। गैलेक्सी M01 कोर में मिलेगा सिंगल रियर कैमरा। ब्लैक, ब्लू और रेड कलर ऑप्शन में होगा उपलब्ध। 29 जुलाई से इन्हें सैमसंग के रिटेल स्टोर्स, सैमसंग इंडिया ई स्टोर समेत सभी लीडिंग ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा। चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक। भारत ने 47 और चीनी ऐप किए बैन। टिकटॉक के बाद पबजी समेत 275 ऐप्स पर भी लग सकता है प्रतिबंध। चीनी ऐप पर बैन लगाने वाला भारत पूरी दुनिया में है पहला देश। भारत की ओर से 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाए जाने के बाद पूरी दुनिया में चीनी ऐप्स पर बैन लगाने की उठने लगी है मांग। टेलीग्राम में जुड़े कई नए फीचर। अब यूजर 2GB तक की फाइल कर सकेंगे ट्रांसफर। नए अपडेट के साथ यूजर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को प्रोफाइल वीडियो में बदल सकता है। टेलीग्राम डेस्कटॉप अब मोबाइल ऐप की तरह कई अकाउंट को करेगा सपोर्ट। 9 लाख से कम है बजट तो करिए थोड़ा और इंतजार। जल्दी भारतीय बाजार में होंगी किया सोनेट से लेकर टाटा HBX तक के ये 6 कॉम्पैक्ट SUV। किया सोनेट को 2020 ऑटो एक्सपो में किया गया था शोकेस। इसे 7 अगस्त को किया जाएगा लॉन्च। रेनो मैग्नाइट में 8 इंच का टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और सनरूफ होंगे शामिल। SBI ने पेंशनर्स के लिए लॉन्च की पेंशन सेवा वेबसाइट। अब ऑनलाइन ही मिलेगी पेंशन प्रोफाइल और ट्रांजैक्शन डिटेल सहित कई अहम जानकारियां। इसका फायदा SBI के 54 लाख पेंशनर्स को होगा। इसके लिए नहीं लिया जाएगा कोई अतिरिक्त शुल्क। अब ग्रामीण इलाकों के डाकघर में भी खुलवाया जा सकेगा PPF और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सहित सभी बचत योजनाओं में खाता। ये सुविधा मिलने के बाद ग्रामीण लोगों को नहीं जाना पड़ेगा शहर। अब बात आज के इतिहास की। 1914 में आज ही के दिन प्रथम विश्वयुद्ध की शुरुआत हुई थी। हेपेटाइटिस का टीका खोजने वाले बारूक बल्मर का जन्म 28 जुलाई 1925 में हुआ था। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में 9वें ओलंपिक खेल का शुभारंभ आज ही के दिन 1928 में हुआ। चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। सौरमंडल के 10वें ग्रह की खोज करने का दावा 28 जुलाई 2005 में आज ही के दिन किया। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेताओं में से एक इंद्र कुमार का निधन 28 जुलाई 2017 में हुआ।